तो इधर रहा अपना कैलाश पर्वत जिसपे कि शिव जी विराजमान है। अद्भुत लग रहा है यहाँ का ये वाला पंडाल। नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं कल्याणपुर। और आप सभी को जैसा पता है कि कल्याणपुर पे बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पे कैसा तैयारी चल रहा है, क्या सब बन रहा है। तो यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा बन रहा था और एक कैलाश पर्वत बन रहा था बहुत सारा। तो वो सारा चीज़ कम्प्लीट हो चुका है क्योंकि आज है नवरात्रि का सातवां दिन। तो हम लोग भी अंदर चल के देखते हैं कि अब कैसा दिखने में लग रहा है यहाँ का पंडाल। तो इधर देख लीजिए, सामने रहा अपना मेन गेट और मेन गेट यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। अंदर भी सज चुका है पूरा, तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। और इधर सामने देख लीजिए, पूरा गेट बन चुका है एंड दूर में आपको नज़र आ रहा होगा बुर्ज खलीफा भी छोटा सा। बाकी आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए सामने, और जब हम लोग आए थे तो पूरा बांस लगा हुआ था और अब पूरा कम्प्लीट हो चुका। और इतना बड़ा भाई साहब स्टील लगा दिया गया, क्या लगाया गया ठीक है पता चलेगा। तो हम लोग आ चुके हैं और अभी आपको सामने दिखाते हैं अब कैसा दिखने लगा। अब इधर सामने देख लीजिए, अब पूरा मेला का तैयारी चल रहा है। थोड़ा वो जो दुकान लगेगा अब यहाँ पे लगने वाला है और आज रात के बाद कल से तो पूरा मेला स्टार्ट हो जाएगा। और उस साइड आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा ऊपर का कैलाश पर्वत का। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सामने पे पंडाल लगभग 110 फिट का ये वाला बुर्ज खलीफा बना हुआ है और आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारा लाइट भी लग चुका है। एक्चुअली में जब आप रात में घूम रहे आइएगा ना तो बहुत ज़्यादा मस्त दिखने में लगने वाला। देखा ये कितना सारा लाइट लगा हुआ है, कितना सारा है इसमें। इधर झूमर उमर भी आपको लग रहा होगा, एक मिनट छू के इसको देखते देखते, आपको दूर से लग रहा होगा ना पूरा स्टील है बट एक्चुअली में कपड़ा लगा के उसको पेंट किया गया है। बाकी आप लोग सामने देख सकते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बोले थे हनुमान जी बनने वाले, तो हनुमान जी सामने रहे। अब जो आपको दिखाने वाले ना लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, फिर आपको दिखाते हैं। तो इधर रहा अपना कैलाश पर्वत जिसपे कि शिव जी विराजमान है 80 फीट के। देखने में आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा अद्भुत लग रहा है यहाँ का ये वाला पंडाल। और बहुत ज़्यादा ऊँचा है, बहुत ज़्यादा। और हम अभी रिकॉर्ड कर रहे तो मेरे ठीक ऊपर सनलाइट है, तो डायरेक्ट कैमरा पे पड़ रहा। हो सकता है क्वालिटी उतना सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट डायरेक्ट कैमरा पे पड़ रहा है। और भाई लिटरली ये वाला जो है ना मस्त, मतलब अब जब रात में देखने आओगे ना, जब लाइट उट पूरा चलता है ना, इतना ज़्यादा अद्भुत देखने में लगेगा ना आपको, जिसके बारे में आपको क्या बताऊं। और इधर से आप लोग देख सकते हैं ये वाला बुर्ज खलीफा, इसमें तो भाई इतना लाइट लगा हुआ है ना बुर्ज खलीफा में, इतना सारा लाइट एक्चुअली में इसमें भी लगा हुआ होगा बट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पूरा वो सेब बाइज बना हुआ है ना पहाड़ के, तो उसके बीच बीच में लाइट लगा हुआ। जैसे ही आप लोग रात में घूमने आइएगा ना, बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है। बाकी और आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं यहाँ का। इस साइड भाई गंगा जी है पूरा, और जैसा कि बारिश के टाइम पे यहाँ पे पूरा पानी आया हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था। पानी के अंदर वो वाला पंडाल बनाया गया था, जब स्टार्ट हुआ था ना तो पानी लगा था, उसी के अंदर पूरा बांस गाड़ के उतना बड़ा पंडाल बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ और लोकेशंस बनाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं राधा कृष्ण, हनुमान जी, शंकर जी। हाँ, मेरे को लगता है फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे बनाया गया। एंड एक झूला देखिए यहाँ लग गया है बीच में ही, और भैया लोग अभी पूरा और कुछ कुछ बना रहे हैं। और इस साइड रहा पीछे से बुर्ज खलीफा कुछ ऐसा दिख रहा है। और सामने चलते हैं अभी हम लोग। और जी भाई इधर हनुमान जी रहे। अरे देखो इधर भाई मिल गया एक भाई अपना, यही का तुम्हारा घर है। हाँ, अब एक और आ रहे हैं। अच्छा पता नहीं है अभी। अच्छा इधर देखिए स्टेज बन रहा है, एफिल टावर बन रहा है स्टेज पर मंदिर। अच्छा 3D में। अच्छा तो इधर एफिल टावर बनने वाला है स्टेज पे और राम मंदिर बन रहा है 3D एनिमेशन में। नहीं में। अच्छा हाँ पे अभी ना तो वो लगेगा, एक कवर हो जाएगा। अच्छा पूरा कवर हो रहा भाई। हाँ। साइड से पूरा कवर हो रहा है इसीलिए पांच लग रहा। बाकी जो लोग भी हमसे पूछ रहे थे कि भैया प्रोग्राम भी होगा, तो हाँ भाई इस बार भी प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, आप लोग देख सकते। चलिए तो चलते हम लोग दर्शन कर लेते फिर चलेंगे यहाँ से।
देख लो सामने सामने बल्ब का बना है सामने। हाँ। चलो देख लीजिए इधर सामने कैलाश पर्वत ऊपर है तो उधर देखिए भैया लोग दुकान लगा रहे हैं इधर दुकान बन रहा पूरा और इधर कैलाश पर्वत रहा और इसी के बगल में एक रोड है उसी में गुफा बना हुआ इधर देख लीजिए क्या ही अद्भुत लग रहा है ये वाला पंडाल। बाकी रात में जब आइएगा ना देखने ये सारा जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लगने वाला है ना पूरा लाइट लगा हुआ यहाँ पर भी लाइट लगा हुआ है देख लीजिए। हाँ अच्छा तो आप आइएगा घूमने तो आपको ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा बहुत अद्भुत बनाया गया है इस पूरे पंडाल और मंडप को। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। ब्लॉग वो छोटा सा था पर अपडेट दे दे कि पूरा तैयारी हो चुका और अभी आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत फीका फीका आपको लग रहा होगा लेकिन रात में जब यहाँ पे आप इसको देखिएगा ना भाई कैसा लगता है पूरा एकदम अच्छा लगता है। यहाँ पूरा लाइट लगेगा यहाँ ये सब जले लाइट है ये पूरा लाइट लगा हुआ इतना सारा इसमें लाइट लगा हुआ ना तो पूरा अद्भुत देखने में लगता है। तो आइए मेला घूमने के लिए यहाँ और लुफ्त उठाइए इतना खूबसूरत मेला का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए टाटा बाय बाय।